इसके पहले हम लोग एल्केन के बारे में जाने थे, अब हम लोग एल्किन के बारे में जानते हैं। एल्किन का सूत्र होता है CnH2n। अब इसी प्रकार हम लोग मीथेन का निकालते हैं, एन एन का नंबर कितना है, वन, वन गुणे टू कितना होगा, इक्वल टू टू, तो क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। अब एथीन का सूत्र निकालते हैं, एन इक्वल टू टू, टू गुणे टू कितना हो जाएगा, फोर, C2H4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, C2H4 हो जाएगा। अब प्रोपेन का निकालते हैं, एन इक्वल टू थ्री, टू तीन दूना छः कितना हो जाएगा, छः, सी इक्वल टू थ्री एच सिक्स। अब ब्यूटीन का निकालते हैं, एन इक्वल टू फोर गुणे टू, चार दूनी आठ, सी कितना हो जाएगा, C4H8 हो जाएगा। और पेंटेन का निकालते हैं, एन इक्वल टू फाइव गुणे टू, पाँच दूनी दस हो जाएगा, C5H10 हो जाएगा। अब हेक्सीन का निकालते हैं, एन इक्वल टू सिक्स, टू छः दूनी बारह हो जाएगा, C6H12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, C6H12। अब हेप्टीन का निकालते हैं, एन इक्वल टू सेवन हो जाएगा, सात दूनी चौदह, सी कितना हो जाएगा, C7H40। अब निकालते हैं ऑक्टेन का, और एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, आठ, आठ दूनी सोलह, C8H16। अब निकालते हैं नेक्सन का, सी कितना हो जाएगा, एन इक्वल टू नाइन हो जाएगा, नाइन गुणे टू नौ दूनी अठारह, सी कितना हो जाएगा, 9H18। अब किसके निकालते हैं डेक्सिन का, एन इक्वल टू टेन, टेन गुणे टू कितना हो जाएगा, दस दूना बीस, सी कितना हो जाएगा, 10H20 हो जाएगा। हम लोग आज किसके बारे में जाना है, एल्किन के बारे में। एल्किन का सूत्र होता है, आप लोग निकाल सकते हैं, CnH2n। इसके माध्यम से आप बहुत ही सरल भाषा में आप निकाल सकते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, नेक्सेन, डिक्सेन। तो इसका एल्केन के बारे में बता दिए, एल्किन का क्या होगा, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नेक्सेन, डिक्सेन। बहुत ही सरल भाषा से हम लोग इधर गुणा करके निकाले हैं, हर एक नंबर वाइज 10 तक हम लोग इसको निकाले हैं, आप भी निकाल सकते हैं बहुत ही सरल भाषा में। यदि आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें।